बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के भारों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और इसकी जो सेक्शन है 22 से लेकर 24 ए, और ये डील्स करती हैं ट्रांसफ़र ऑफ सूट को। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मुकदमात की मुंतकली या उनका ट्रांसफ़र करना। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लीट फॉर जस्टिस, इसको आप काइंडली सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और साथ में जो बेल आइकन ओवर है उसको भी आप काइंडली इसको प्रेस कर दें, इससे मेरे हर नई आने वाली वीडियो आपको बातातल मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आते हैं आप टॉपिक के ऊपर। अब इन्होंने CPC बनाने वालों ने ये जो मुख्तलिफ फ्री कहने मुकदमा होती हैं, ख़ासकर जो डिफेंडेंट्स होती हैं उनकी आसानी के लिए, CPC बनाने वालों ने ये मुकदमात की मुंतकीली का ये जो तरीक़ाकार है ये CPC के अंदर रखा है। अब इन्होंने कहा है ये CPC की जो सेक्शन 22 है वो जो कहती है कि प्रोसीजर टू ट्रांसफ़र सूट विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट, यानी इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो मुकदमा कोई प्लेंटिफ एक उस मुकदमे की नौइयत ऐसी हो, प्लेंटिफ के किसी मुकदमे की नौइयत ऐसी हो जो एक या एक से ज़्यादा अदालतों के अंदर कानूनी तौर पर दायर हो सकता हो, यानी उस मुकदमे को मुख्तलिफ अदालतें जो हैं वो सुनने का अख्तियार रखती हों, तो वो अगर किसी अदालत के अंदर उसको दायर करता है तो उसके अंदर जो उसका डिफेंडेंट है वो हाजिर अदालत होकर अदालत से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसने ये रिक्वेस्ट जो है, जो एप्लीकेशन उसने देनी है 22 के तहत, वो उसने नोटिस तलबी यानी कि नोटिस हाजिरी का या समन हाजिरी का इशू होने के बाद, जब रिसीव करने के बाद और मुकदमे में जवाब दवा देने से पहले या जवाब दवा दे कर और इशू होने से फ्रेम होने से पहले या इशू के सेटल होने से पहले, या वो किसी वक्त भी अदालत के अंदर दरख्वास्त दे सकता है और उसमें अपनी वो ग्रीवियंस बयान करेगा और अदालत से कहेगा कि जनाब, मुझे आपकी अदालत से ये तकलीफ़ है, मुझे इस अदालत के अंदर हाज़िर नहीं हो सकता, या जो भी ग्राउंड, वो जो सफिशेंट ग्राउंड है, अगर उसका लॉफुल एक्सक्यूज़ है, अगर उसके मौक़िफ़ के अंदर वज़न है, तो वो फिर वो अदालत के अंदर दरख्वास्त दे सकता है और वो कह सकता है कि मेरे इस मुकदमे को या इस मुकदमे को मुंतकिल किया जाए या इस प्रोसीडिंग को मुंतकिल किया जाए या इस अपील को मुंतकिल किया जाए, फलां अदालत के अंदर इसको भेजा जाए, उसकी वो दरख्वास्त देगा। तो अदालत दूसरे फरीक को भी अगर तलब करती है तो ठीक, नहीं तो उसको सुनकर अगर उसको इत्मीनान हासिल हो जाए, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि ये बंदा जो है ये लीगली इंटाइटल है और इसकी दरख्वास्त के अंदर काफ़ी शायद मौजूद हैं और इस मुकदमे को ट्रांसफ़र किया जाना ज़रूरी है, तो फिर अदालत उसके मुकदमे को ट्रांसफ़र करने का हुक्म सादर कर सकती है। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 23। अब सेक्शन 23 में ये है कि टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ सूट या अपील या प्रोसीडिंग की ये जो दरख्वास्त है, अगर कोई फ्री के मुकदमा देना चाहे तो वो फिर किस अदालत के अंदर ये ट्रांसफ़र की दरख्वास्त देगा। अब ये सेक्शन 23 कहती है कि अगर किसी ने दरख्वास्त देनी है तो उसमें अगर जहाँ बहुत सी अदालतें हों जो सेम कैटेगरी के अंदर आती हों, जो सेम कैटेगरीज के अंदर फॉल करती हों, जो सेम कॉम्पिटेंट वो रखती हों, जो उनके पास अख्तियार इस्मात भी हो, वो उनके पेकुनरी जुरिजेक्शन भी है वो भी ठीक पूरी हो, बराबर हो और हों भी वो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स और वो एक ही कोर्ट ऑफ अपील के तहत काम कर रही हों, तो फिर वो कोर्ट ऑफ अपील के अंदर वो एप्लीकेशन देना पड़ती है।
दूसरी बात उन्होंने कही है कि जहां वो मुतहद अदालतें मुख्तलिफ कोर्ट ऑफ अपील के अंदर वाकई हों और वो हों एक ही हाई कोर्ट के मुतहद, तो फिर दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट के अंदर दी जाएगी। तीसरी बात इन्होंने ये की है कि जहां मुतहद अदालतें मुख्तलिफ हाई कोर्ट के अंदर अगर वाकई हैं और आपने अपना किसी मुकदमे की मुंतकली के लिए, उसकी प्रोसीडिंग की मुंतकली के लिए, उसकी अपील की मुंतकली के लिए आपने दरख्वास्त देना मकसूद है, तो आप फिर उस अदालत के अंदर जाएंगे, उस हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे कि जिसके अंदर आपका मुकदमा पेंडिंग है या जिसकी आप जिसकी सबऑर्डिनेट हैं, जिसके अंदर आपका मुकदमा पेंडिंग है, वो अदालत जिस हाई कोर्ट की वो जुरिसडिक्शन के अंदर आती है, आप उस हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। इसकी मैं आपको मजीद बालफाज दीगर आपको आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने ये ट्रांसफ़र ऑफ सूट या अपील या मुकदमा उसकी अप्लीकेशन कैसे गुजारनी है। अगर आपका मुकदमा किसी सिविल जज के पास है और आपने किसी दूसरे सिविल जज के पास मुकदमे को ट्रांसफ़र करना है, तो आपने अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट जज के पास एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की दायर करनी है। अगर वो एक ही ज़िले के अंदर हैं, अगर दोनों अदालतें दोनों जो सिविल कोर्ट्स हैं वो एक ही ज़िले के अंदर हैं, आप एक सिविल जज से उठाकर दूसरे सिविल जज के अगर की अदालत के अंदर वो मुकदमा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो फिर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट जज के पास दरख्वास्त देनी है और वो आपका मौक़िफ़ सुनने के बाद वो मुकदमे को दूसरे सिविल जज के पास ट्रांसफ़र कर देगा। अगर आप एक ज़िले के सिविल जज के पास हैं, आप जो दरख्वास्त है ये किसी दूसरे ज़िले की उसके पास वो अपना सिविल जज के पास भेजना चाहती हैं, तो फिर आपने अपने इलाके का डिस्ट्रिक्ट जज है उसके पास या फिर आप हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्त दे सकती हैं। अगर आपकी जो मुकदमा है या जो आपकी अपील है वो किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास है, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट जज को देंगे और वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज एक से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से उठाकर दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज देगा। अगर आपका जो केस है या अपील है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, तो आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज के पास उसको भेजना चाहती हैं, यानी एक ज़िले से उठाकर दूसरे ज़िले के डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजना चाहती हैं या मुंतकिल करना चाहते हैं उस मुकदमे को, अगर मतहत अदालत उसको कोई नहीं समझ सकती, तो फिर आप हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त देंगे और फिर वो हाई कोर्ट जो है आपका मुकदमा जो है वहाँ से उठाकर दूसरे उसके अंदर भेज देगी। अगर आपने मुख्तलिफ हाई कोर्ट के अंदर, आप एक ज़िले के अंदर हैं, आपका मुकदमा एक उसके अंदर है, ज़िले की अदालत के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, और वह आप दूसरे सूबे की डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो आप मुकदमा भेजना चाहती हैं, तो फिर आप अपने सूबे के जो आपके हाई कोर्ट है या आपकी आपकी जो हाई कोर्ट है जिसके तहत आपकी अदालत काम कर रही है, आप उस हाई कोर्ट के अंदर जाकर दरख्वास्त देंगे और आपका मुकदमा जो है वो ट्रांसफ़र होगा। अगर आप एक हाई कोर्ट के अंदर हैं, आप अपना मुकदमा दूसरी हाई कोर्ट के अंदर लेकर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए अगरचे इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है ये सेक्शन 23 के अंदर, लेकिन आप वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आप फाइल करेंगे। अगर तो ये है 23 कि आपने किस अदालत के अंदर आपने एप्लीकेशन दायर करनी है और उसका क्या तरीक़ाकार होगा। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 24। अब सेक्शन 24 जो है ये CPC की कहती है कि ट्रांसफ़र ऑफ सूट, कि उसमें इन्होंने 24 के अंदर जो तरीक़ाकार है वो बताया। इसमें इन्होंने कहा है कि दफ़ा 24 CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज को ये जो सेक्शन 24 है ये अख्तियार बनाती है कि वो दफ़ा आज़ा के तहत दफ़ा 24 CPC के तहत अपने हासिल अख्तियार को बुरुए कार लाते हुए किसी मुकदमा को ट्रांसफ़र करें या किसी मुकदमे को विदड्रॉ करें या किसी मुकदमे को रीट्रांसफ़र करें। सेक्शन 24 के तहत हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट जज को अख्तियार है कि वो किसी मुकदमा को मुंतकिल करें, उसको उससे दस्तबरदार करवाएं या उसको रीट्रांसफ़र करें। और ये तीन काम, मुकदमा का ट्रांसफ़र करना, उसको विदड्रॉ करना या उसका रीट्रांसफ़र करना, ये काम वो मुकदमा की किसी भी सतह पर कर सकती हैं, चाहे वो मुकदमा अदालत के अंदर है
चाहे वो किसी प्रोसीडिंग के अंदर वो मुकदमा है, चाहे वो मुकदमा किसी अपील के अंदर है, चाहे वो मुकदमा किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर है जो इन तीनों के अलावा है, तो वो ये तीनों के अलावा है तो फिर ये तीनों काम ये लोग हाई कोर्ट सॉरी और डिस्ट्रिक्ट जज वो मुकदमा की किसी भी सतह पर कि प्रोसीडिंग की किसी भी सतह पर, अपील की किसी भी सतह पर या दीगर जो भी प्रोसीडिंग है उसमें किसी भी सतह पर अदालत जो है हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज के पास अख्तियार है कि वो मुकदमे को मुंतकिल भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं और रिट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, अज खुद उनके पास भी कर सकते हैं अपान इट्स ओन मोशन, अज खुद सोए मोटो ये काम वो कर सकते हैं, वो ऑर्डर सादर कर सकते हैं। और दूसरा वो किसी फ्री की एप्लीकेशन के ऊपर भी इस तरह का हुक्म सादर कर सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जज जो है या हाई कोर्ट जो है दफा हाजा के तहत किसी इनफरादी मुकदमा में अपने इन जो ये जो उसके अख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्होंने इसके अंदर एक और बात की है कि कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दफा हाजा के तहत अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी 24 के तहत एडिशनल जज के पास अख्तियार नहीं है कि वो किसी मुकदमे को ट्रांसफ़र करे, उसके पास अख्तियार ही नहीं है 24 के तहत। अगर उसको पावर जो है वो डेलीगेट करता है डिस्ट्रिक्ट जज, अगर उसके पास डिस्ट्रिक्ट जज के पास कोई मुकदमा ट्रांसफ़र के लिए आता है और वो भेज देता है आगे एडिशनल जज के पास कि अगर किसी मातहत अदालत का आता है वो डिस्ट्रिक्ट किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज देता है कि भाई इसको प्रोसीड ऑन करो, तो फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसके पास अख्तियार है कि उसके पास अगर मातहत अदालत सिविल जज का कोई मुकदमा डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको प्रोसीड ऑन करने के लिए या वो उसके ऊपर हुक्म सादर करने के लिए भेजा है तो फिर वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसके ऊपर हुक्म सादर कर सकता है, अदरवाइज वो आज खुद 24 के तहत वो किसी मुकदमे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, विड्रॉ नहीं कर सकता, रिट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और इसमें जब ये हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज जो है जब किसी मुकदमे को मुंतकिल करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे या विड्रॉ करेंगे या रिट्रांसफ़र करते हैं तो फिर उन्होंने देखना यह उनके लिए दो तीन शराइत का पूरा होना करना ज़रूरी है। जब उनके पास मुकदमे की वो दरख्वास्त आएगी तो उसमें उन्होंने दो तीन चीज़ों को देखना है। पहली चीज़ क्या देखनी है, आया कि जिस अदालत के अंदर ये मुकदमा अपील सूट प्रोसीडिंग पेंडिंग थी क्या वो अदालत कॉम्पिटेंट थी, कॉम्पिटेंट है, अगर वो कॉम्पिटेंट है तो वेल एंड गुड, उसके पास अख्तियार है कि उससे लेकर उठाकर मुकदमा किसी दीगर अदालत के अंदर भेजे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये देखनी है, आया कि जिस अदालत के अंदर हम ये मुकदमा आज खुद भेज रहे हैं सोए मोटर नोटिस के ऊपर भेज रहे हैं या अपान देयर ओन मोशन ये भेज रहे हैं, अदालत खुद भेज रही है या किसी फ्री के मुकदमा ने कि उसके ऊपर वो एप्लीकेशन के ऊपर ये भेज रही है और जिस अदालत को भेज रही है, आया कि क्या वो अदालत कॉम्पिटेंट है, क्या अदालत ज्यूरिसडिक्शन रखती है, अगर वो रखती है तो वेल एंड गुड उसको भेज सकती है, अगर वो नहीं रखती तो फिर उसका अख्तियार यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती। तीसरी चीज़ उसमें उन्होंने ये कही है कि जिस मजाज अदालत को मुकदमा जो मुंतकिल किया जाता है हाई कोर्ट करती है या डिस्ट्रिक्ट जज करता है उसमें देखना यह है कि आया कि वो मातहत अदालत है, वो इन दो अदालतों के मातहत अदालत है या हाई कोर्ट के मातहत है या डिस्ट्रिक्ट जज के मातहत है, अगर तो वो मातहत है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर वो इसके तहत 24 के तहत वो अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है दोस्तों सेक्शन 24A। अब 24 क्या कहती है, 24 कहती है कि जब अपीयरेंस ऑफ पार्टीज ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सूट एक्स्ट्रा, कि जब मुकदमा ट्रांसफ़र हो जाता है और पार्टीज़ के लिए क्या हुक्म है कि पार्टीज़ ने क्या काम करना है, तो फिर अदालत ये कहती है कि जब किसी अदालत हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट जज ने, यही दो अदालतें होती हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास तो कभी कभी जाता है मामला, डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट उनके पास जब ट्रांसफ़र करने का वो उन्होंने किसी मुकदमे को ट्रांसफ़र करने का वो हुक्म सादर करना चाहती हैं, आज खुद ट्रांसफ़र करना चाहती हैं डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट किसी अपील को, किसी मुकदमे को, किसी प्रोसीडिंग को आज खुद करना चाहती हैं,
तो फिर वो पार्टीज को अपनी अदालत के अंदर वो तलब करेंगे और वो उनको हुक्म सादर करेंगे कि भाई आपने इस मुकदमे को, अब ये जो फलां अदालत है उसके अंदर आप चले जाएं, फलां तारीख को सुबह 8 बजे फलां अदालत के आप पास आप पहुँचें, आपका ये मुकदमा वो अदालत जो है इसके कंडक्ट करेगी, इसके ऊपर इशू फ्रेम करेगी, इसके ऊपर मजीद कार्रवाई करेगी और फैसला सादर करेगी, डिग्री देगी। तो अदालत जो है अगर वो आज खुद करती है तो फिर पार्टी को अपनी अदालत के अंदर बुलाकर उनको ये हुक्म सादर करेगी कि आप उस अदालत के अंदर चले जाएं और वहाँ आप मुकदमे का कार्रवाई का सामना करें। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने किसी फ्री की एप्लीकेशन के ऊपर किया है तो फिर वो दोनों फ्रीकों को, फ्री कैन को हाजर अदालत करेंगे, उनको अदालत के अंदर बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई इस बंदे ने जो एप्लीकेशन दी है ट्रांसफ़र ऑफ सूट के लिए या ट्रांसफ़र ऑफ अपील के लिए या ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसीडिंग के लिए, तो वो हमने मंजूर कर ली है और अब हम आपको हुक्म सादर करते हैं कि आप फलां अदालत के अंदर आपने हाजिर होना है, फलां तारीख को फलां अदालत के अंदर सुबह 8 बजे आप हाजिर हो जाएं और अपने अपने रिस्पेक्टिव मुकदमे की जो है आप पैरवी करें और वो अदालत जो है इसके अंदर वो मुकदमे की समाअत कंडक्ट करेगी और डिग्री ग्रांट करेगी या जो भी उसके अंदर मुनासिब फैसला होगा वो करेगी। तो उसमें फिर अदालत जो है दोनों पार्टियों हाजिर अदालत करके हुक्म सादर कर सकती हैं। और इसमें यानी कि मुकदमा समाप्त कर, ये जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है ये समाप्त करने वाली अदालत जो है ये दो काम करेगी। जब फ्रीकैन को अपनी अदालत के अंदर तलब करेगी तो फिर वो दो काम करेगी। एक काम ये करेगी कि उनको बताएगी कि हमने आपका मुकदमा ट्रांसफ़र कर दिया, ये पहला हुक्म उनको सुनाएगी कि भाई हमने आपका मुकदमा ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा हुक्म क्या सुनाएगी कि फलां अदालत के अंदर हमने आपके मुकदमे को ट्रांसफ़र किया, आप फलां तारीख को सुबह इतने बजे फलां अदालत के अंदर आप इसालतन वकालतन मुख्तियारतन फलां अदालत के अंदर आप हाजिर हो जाएं और मुकदमे की पैरवी करें। ये दो काम करेंगे, एक क्या करेगी, एक ट्रांसफ़र का हुक्म सादर करेगी और दूसरा उनको डेट देगी कि आपने फलां तारीख के अंदर फलां अदालत फलां तारीख को फलां अदालत के अंदर हाजिर होना है और मुकदमे की कार्रवाई का सामना करना है। उसके बाद अब एक ऐसी चीज़ जो इधर CPC के अंदर दर्ज नहीं है कि ग्राउंड्स ऑफ जो है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो आप देंगे, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देंगे उसके एप्लीकेशन के अंदर जो ग्राउंड्स फॉर ट्रांसफ़र जो आप लिखेंगे वो क्या होंगे, वो किन ग्राउंड्स के ऊपर, किन वो कौन सी वजूहात हैं आप अदालत के अंदर जाकर एप्लीकेशन देंगे और कहेंगे कि जनाब मेरा मुकदमा आप जो है इस अदालत से उठाकर दूसरी अदालत के अंदर भेज दें। तो वो अदालत का जज साहब है जो आपको पूछ सकता है कि भाई हाँ बताओ क्यों क्यों मैं भेजूं, कि आपको क्या तकलीफ़ है, तो आप उसको क्या जवाब देंगे, आपके पास क्या ग्राउंड्स हो गए। तो आपने पहले आपने वो ग्राउंड्स भी जो हैं वो आपने अपने जहन के अंदर रखने हैं। आपने सबसे पहला ग्राउंड ये है, आपने ये कहना है कि भाई अदालत को पिकोनरी जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है, इस अदालत का मालियाती अख्तियार इतना नहीं है कि वह इस मुकदमे को सुन सके। ये अदालत के अख्तियार जो माली अख्तियार आता है या पिकोनरी जुरिस्डिक्शन है ये उससे ऊपर का केस है, लिहाजा ये अदालत नहीं सुन सकती है कि वो ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक, दूसरा आप ये कह सकते हैं कि ये अदालत जो है इसके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, लिहाजा ये अदालत नहीं सुन सकती। तीसरा आप ये कह सकते हैं कि ये जो फ्री कैप डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ है ये जज साहब का रिश्तेदार है, लिहाजा मुकदमे को ट्रांसफ़र किया जाए। वो कह सकती हैं कि दोनों ये जज साहब और पार्टी जो हैं ये आपस में दोस्त हैं, इसकी बुनियाद पे हो सकती हैं। या आप कह सकते हैं कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इस मुकदमे के अंदर जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट है या उसको सिफारिश हुई है, ये भी आप कह सकती हैं। या आप कह सकते हैं कि ये जज साहब ने ये मुकदमा पहले भी कंडक्ट किया हमारे अगेंस्ट दिया, हो सकता है कि ये मुकदमा दोबारा जो ये नए सिरे से जो सेम पार्टीज है इसमें सब्जेक्ट मैटर तकरीबन ऑलमोस्ट थोड़ा सा चेंज है, एक खसरा नंबर नहीं है, दूसरा है इसमें पहले भी इस तरह का हमारे दरमियान ने किया था ये भी हमारे खिलाफ जाएगा, लिहाजा इनके पास नहीं भेजना या इनसे आप उठा लें केस किसी और के पास भेज दें। उसमें उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का या कोर्ट के किसी स्टाफ का या किसी एहलकार का या किसी फ्री के साथ, एक फ्री के साथ या दोनों फ्री कैन के साथ जो रवैया है वो गैर शाइस्ता है, वो इल विल पे मबनी है, वो इनडिसेंट है, वह स्कैंडलिशियस है या कोई ऐसा रवैया है कि जो नाकाबले बर्दाश्त है, जो मुकदमे की सेहत पे असर डाल सकता हो, ये भी आप कह सकते हैं।
या आप इसमें कह सकते हैं कि फ्रीकैन की जो जो फ्रीकैन है, कोई फ्रीक है मुकदमे का या प्लेंट अपना डिफेंडेंट है, वो अदालत में हाजिर होकर कह सकता है कि जनाब ये जो मुकदमा जहाँ दायर हुआ है ये मेरे ज़िले की सिविल जज के पास या डिस्ट्रिक्ट जज के पास अगर आप काइंडली इसको भेज दें ताकि हमारी तकालीफ का जो है वो अजाला हो सके। इसमें यह होता है जी कि अब जहाँ अब फ्रीक जो है प्लेंटर जो है वो रहते हैं जी गुजरांवाला में, प्लेंटर भी रहता है और वो डिफेंडेंट भी रहता है, अब उनकी काज ऑफ एक्शन जो है वो लाहौर में वो एरोज हुई है, अब मुकदमा जो है उसने वो प्लेंटर पर लाहौर चला गया, अब वो दूसरा जो है उसको लाहौर जाना पड़ता है, उसका ख़र्चा होता है, अब वो दरख्वास्त देगा जनाब प्लेंटर भी देखो लाहौर में अपना गुजरांवाला में रहता है, मैं भी गुजरांवाला में रहता हूँ और मुकदमा ऐसे आपकी अदालत के अंदर लाहौर के अंदर आगे कर दिया है, तो जनाब आप इसको इस मुकदमे को यहाँ से ट्रांसफ़र करें उस अदालत के अंदर, तो अदालत उसकी तकालीफ को अजाले के लिए इस तरह का फिर हुक्म सादर कर सकती है कि भाई आप इसको ले जाएं, तो फिर ले जाती हैं। उसमें ये मुकदमा आप वो प्ली भी ले सकते हैं कि जनाब इसमें एक पार्टी जो है वो अदालत के ऊपर असरानंदाज होना चाहती है, वो असरानंदाज हो सकती है, उसकी सियासी वो जो नौीयत है वो कुछ इस तरह की है, वो उसकी सियासी हैसियत है या उसकी माली हैसियत है या उसकी कोई भी ऐसी जो असर रसूख का अमल है जो इलाके में बाजू का दहशत की अलामत समझा जाता है, उस बंदे की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, लिहाजा आप काइंडली इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें किसी दूसरे इलाके में, मैं वहाँ चला जाऊँगा और वहाँ इसमें जाके इसको सुनूंगा, तो अदालत उसके लिए सुन सकती है। या जब दोनों फ्रीक अदालत के अंदर दरख्वास्त गुजारें कि जनाब हमारी आसानी का मामला है, आप हमारे लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, आप इस मुकदमे को ट्रांसफ़र कर दें काइंडली आप किसी दूसरे इलाके के अंदर लेकर चले जाएँ, तो अदालत फिर उसके अंदर फिर वो हुक्म सादर कर देती है। या उसमें बाज़ अवकात ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है कि जब आप समझते हैं कि जज साहब फौत हो चुके हैं या वो यहाँ से तब्दील हो चुके हैं और वो काफ़ी अर्सा साल हो गया ऊपर हो गया और वो छः महीने हो गए या साल का अर्सा गुजर चुका है और वो नया जज साहब जो है वो हाईकोर्ट ने अपॉइंट नहीं किया और या जज साहब दस्तयाब नहीं है, तो फिर आप उस मुकदमे को वहाँ से ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। अगर इसके अलावा ये है कि डिफेंडेंट कोई औरत है और उसको जिस इलाके में उसका मुकदमा दर्ज किया गया है वहाँ वो आ जा नहीं सकती, तो फिर वो अदालत के अंदर वो डिफेंडेंट जो वो औरत है अगर बींग डिफेंडेंट अगर दरख्वास्त गुजारती है ट्रांसफ़र की, तो फिर अदालत उसकी प्ली को तस्लीम कर देती है कि हाँ भाई कि ये औरत है और औरत के नाते इसको आसानी इसके उसमें पैदा की जाए तो इसको मुकदमा ट्रांसफ़र किया जाए, तो ऑर्डर सादर कर सकती है, ये ग्राउंड बन सकता है। या अगर फ्रीकैन जो है वो अदालत के अंदर दरख्वास्त दें कि जनाब मेरा हमारा यहाँ आने पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, टाइम भी ज़ाया होता है, वक्त भी ज़ाया होता है, अगर आप इसको हमारे इलाके के अंदर मुंतकिल कर दें, तो अदालत फिर उनकी प्ली को समझते हुए उनको मुंतकिल भी कर सकती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपको क्लियर हो गया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से मुतालिक या अगर आप चाहते हैं जी कि मुझे कोई ऐसी बात जो ना करनी चाहिए थी मैंने कर दी और जो करनी चाहिए थी न कर सका, और इस बाबत आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, और मुझे आप इजाज़त दें मेरी नई वीडियो के आने तक। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।